हेलो फिटनेस फ्रीक, मैं हूं अतुल, सर्टिफाइड एडवांस फिटनेस एक्सपर्ट। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट डाइट के ऊपर। इंटरनेट डाइट क्या है? कोई भी डाइट जो आप इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं, वो फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई भी वेबसाइट हो, जहां से भी आप ले रहे हैं उसे हम इंटरनेट डाइट कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में क्या बोलूंगा मैं, आप यही सोच रहे होंगे, खैर बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बट ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुछ बेसिक सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप भी इजीली समझ पाएंगे। पहली चीज़, ये टॉपिक क्यों? तो गाइस, मैं चाहता हूँ आप लोग ये समझें कि आप लोग जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं उससे आप लोगों को रिजल्ट कैसे मिलेंगे। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या खो रहे हैं? हम यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट सही आना चाहिए। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, सारी डाइट्स आप लोगों को इंटरनेट पे इजीली मिल जाती हैं। आप जिस तरीके से लिखो, आप फैट लॉस लिखो, आप मसल गेन लिखो, आप श्रेडिंग लिखो, या जो भी आप रैंडमली जो भी लिखेंगे, आपको वो चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी ईजिली। आप में से काफ़ी सारे लोग वो चीज़ फॉलो कर भी रहे होंगे और कुछ लोगों ने फॉलो करके छोड़ दिए होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। तो उसके रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वो देखते हैं उसके रीजन क्या है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 साल से हूँ, जिसमें से आधे टाइम तो मैंने डाइट फॉलो कभी की ही नहीं। बट मुझे थोड़े टाइम बाद समझ में आया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि चलो अब डाइट भी फॉलो करते हैं। तो आता तो कुछ नहीं था, तो एज यूजुअल सबके जैसे मैंने भी कुछ इंटरनेट पे सर्च किया, कुछ डाइट्स डाउनलोड की। मुझे मसल गेन करना था तो मैंने उस हिसाब से कुछ डाइट्स ली और उनमें से जो ऐसे लगा कि हाँ ये कर सकता हूँ, तो मैंने फॉलो किया उन चीज़ों को। बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, बहुत लंबे टाइम तक उन डाइट को करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आए, तो गलती कहाँ हो रही थी? तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अब सबसे डिफ़िकल्ट काम करते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, पढ़ के देखते हैं। तो फिर मैंने थोड़े टाइम तक कुछ रिसर्च की, कुछ फिर मैंने अपना न्यूट्रिशन का कोर्स किया, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यार ये सारा जो इंटरनेट पे ये लोग बोलते हैं, ये खा लो ऐसा हो जाएगा, वो खा लो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा सब बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। हमें ये समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी करे, और आपको अगर कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी करे। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक इंटरनेट में डाइट बनाई और मैंने उसे अपलोड किया और आपने उसे डाउनलोड कर ली, अब आप लोग ये सोचिए कि मेरा वेट है 92 kg, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 12% के आसपास है, मेरा मसल मास 60 kg प्लस है, मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, और आपने अगर डाउनलोड किया है, आपका वेट है 60 kg, आपका मसल मास है 30 kg और बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ऊपर है, तो आपको क्या लगता है वो चीज़ आपको सूट करेंगी? हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मसल मास अलग है, मेरा प्रोटीन इंटेक अलग है, मुझे बहुत अलग, मैं बहुत अलग लेवल में हूँ, आप बहुत अलग लेवल में हैं। ये मेरी डाइट आपको कभी सूट नहीं कर सकती, या किसी भी रैंडम इंसान की डाइट आपको सूट नहीं कर सकती। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम उस चीज़ को समझ लें उतना हम टाइम सेव कर सकते हैं अपनी बॉडी बिल्ड करने में। गाइस, ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जो अपनी डाइट को इंटरनेट पर डाल देते हैं और लिख देते हैं कि आप इसको फॉलो कर लो तो आपका वेट गेन हो जाएगा, या आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अच्छा खाने की वजह से थोड़े बहुत आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वो सिर्फ आपके अच्छा खाने की वजह से हो रहा है, ना कि उसके डाइट की वजह से हो रहा है। तो उस आदमी ने आपको देखा तक के नहीं है, तो वो कैसे बता सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की? उसे आपका मसल मास नहीं मालूम है, उसे आपका फैट परसेंटेज नहीं मालूम है। बिना मसल मास के वो आपको बता कैसे सकता है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर रिजल्ट्स ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे गलती मत करिए, ऐसे किसी पे भी भरोसा मत करिए, किसी की भी डाइट फॉलो मत करिए, थोड़ा ध्यान रखिए।
अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मेरे को ईमेल करो या मैं आपको डाइट बताऊंगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट ऑलरेडी इस लाइन में हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझसे कहीं अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं इस लाइन में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मेरा बस ये वीडियो बनाने का रीज़न था कि आप किसी की भी डाइट फॉलो ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि अपनी डाइट हम खुद कैसे बनाएं, और अगर हम खुद ना बनाएं या किसी से हम ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इतना समझ में आए कि वो डाइट हमारे लिए सही है या नहीं। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने जिम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।